हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सब्जेक्ट इज कंप्यूटर फॉर स्टैंडर्ड 4th एंड माय टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर की विशेषताएं, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। आधुनिक कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं उसकी विशेषताएं क्या है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक द मॉडर्न कंप्यूटर यूनिक। जो ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है ये मॉडर्न कंप्यूटर को यूनिक बनाती है। जैसे स्पीड, मॉडर्न कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तेज स्पीड से वर्क करता है। एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेट वर्क देता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता एंड स्पीड मीन्स गति। ओके, फुल एक्यूरेट वर्क देती है, एकदम से सही आंसर देती है। जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देगी। ओके, एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? मॉडर्न कंप्यूटर की। एंड डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क। जो कंप्यूटर बहुत हार्ड वर्क करता है, कभी थकता नहीं है। एंड आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसे कंटिन्यू फॉलो करता है। एंड वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा या अस्थिरता। तो ये बहुत ही अस्थिरता से काम करता है, इसके अंदर कोई चंचलपन नहीं होता है। इससे हम लोग वर्क करते हैं तो कभी कभी मन करता है अरे ये करो अरे वो करो, फिर उस काम में मन नहीं लगता, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसे आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे बिना थके हुए, बिना इधर उधर देखे और अपना वर्क करेगा अटेंशन फुली। सो कंप्यूटर की ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, एंड नाउ लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स होता है सीमा, समिति। सीमा क्या है? इसकी सीमाएं, कंप्यूटर हैव सम लिमिटेशन। कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट। फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसकी जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है वो इसके पास प्रेजेंट नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है कंप्यूटर। सेकंड पॉइंट, नीड टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन एट ईच एंड एवरी स्टेप। एंड नीड टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन इसको देंगे ये वही वर्क करेगा, इसकी हर एक स्टेप वही रहेगी जो आप इसे इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी स्टेप गोस रॉन्ग और आर रॉन्ग कमांड इज गिवन दे प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। अगर आप इसे कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर ये भी रिजल्ट इनकरेक्ट देगा। जो आप कमांड इसको रॉन्ग देंगे तो वो वही वर्क करेगा, रॉन्ग वर्क करेगा एंड उसका रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन देते टाइम बहुत केयरफुल रहो एंड जो आपको करना है वही इंस्ट्रक्शन दें। जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसका सेम रिजल्ट वो देगा। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन राइट है या रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नो फीलिंग और इमोशन। एंड कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती, कंप्यूटर पास कोई भी फीलिंग नहीं होती और ना ही इमोशन होता है, ना ही उसकी कोई भावना होती है। क्लियर? अंडरस्टैंड?